सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वर्तमान में सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपटी होता है, वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। अक्सर लोग सिर्फ दूसरों को कहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। आज का पंचांग 19 मार्च 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 8:07 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:56 से 6:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 11:17 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 19 मार्च 2023 दिन रविवार, आज आपका मूड बदलता रहेगा। आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति को कैसे बदलें। आपके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी उलझन में रहेंगे, फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें, क्योंकि इससे आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। आज सब चीजों को हल्के में लें और खुद को बस निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें। आप सेहत और व्यक्तिगत जीवन में हानि का सामना करेंगे। बुराइयों या जोखिम भरे यौन संबंधों के प्रलोभन से बचते हुए इस लाभ के लिए समय निकालें। धन मिलेगा, बचत और निवेश के लिए विकल्पों को खोजें। यह आसान चरण सावधानी से काम करने और साहस का पालन करने के लिए शानदार है। आज रोमांटिक भावनाएं आपके दिन को कुछ खास बनाने वाली है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शुभ है। अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपको प्रेरित करेगी। अपनी मनोरंजन का भी ध्यान रखें। सफलता तक पहुंचने का कोई अच्छा या छोटा रास्ता नहीं है। सफल होने के लिए आपको सभी सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेगी। अपने डर के इलाज का वक्त आ चुका है। आपको समझना चाहिए कि न सिर्फ यह शारीरिक ऊर्जा को चूस लेता है बल्कि जिंदगी को भी कम करता है। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपने संतान पर गर्व महसूस होगा। बच्चों का स्कूल से जुड़ा काम पूरा करने के लिए मदद लेने का वक्त है। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। आज आपके बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगे तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। फोन द्वारा कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। किसी के जन्मदिन या कोई अन्य पार्टी में जाने का अवसर भी मिलेगा तथा लोगों से मेल मिलाप तथा वार्तालाप ज्ञानवर्धक रहेगा। यात्रा संबंधित योजना को अमल में लाना संभव होगा। यात्रा की वजह से अतिरिक्त खर्च बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। काम में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें और जिन बातों में बदलाव नहीं कर सकते हैं उन्हें आप आसानी से छोड़ पाएंगी। उच्च शिक्षा संबंधित प्रयत्नों के कारण सफलता भी मिल सकती है। परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को समझकर पार्टनर और आप जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की सेहत की चिंता भी रहेगी। सावधानियां, किसी कार्य के बनते बनते अचानक व्यवधान आ सकती हैं, जिससे आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, परंतु अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा।
जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम पीछे छोड़ सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के मध्य अहम आ जाने से संबंध खराब हो सकती हैं। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भरे डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुककर रहना होगा। हालांकि जल्दी ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविष्य में आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। शांत रहें, कोई खूबसूरत और आकर्षक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है। साथी के साथ मतभेद हो सकता है, मुद्दों को शांति और नम्रता से सुलझाएं। लव रिलेशनशिप में यह बात भी मायने रखती है कि आप अपने प्यार का एहसास अपने पार्टनर को कैसे कराती हैं। आपका जीवन रोमांस से लबालब है और आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन भी है। पेशवर मामलों को छोड़कर भावुकता आपके लिए प्रथम पायदान पर होगी। आप अब सिर्फ अपने पार्टनर की इच्छाओं के बारे में जानना चाहती हैं। इसे आप दोनों कामुक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बात करते हैं करियर की। अचानक प्राप्त हुए अनर्जित आय आपकी इच्छा पूरी करने में आपके काम आएगी। किसी दुख या झटके से आप उदास महसूस कर सकती हैं, लेकिन तैयार हो जाएं, क्योंकि अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। एक ही काम में अपना समय व्यर्थ न करें और अपने काम को एंजॉय करें। आप आज रोमांटिक महसूस कर सकते हैं और अपनी प्यार का इजहार करने के लिए भी यह समय अच्छा है। आर्थिक और अन्य पेशेवर मामले इस समय आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप खुद को उदासीनता से दूर करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। जीवन में जितने अधिक हो सके उतने संपर्क बनाएं। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजी हवा में सांस ले सकती हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकती हैं और इस समय का आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचली अधिकारियों से अपनी आय या अपनी बात रख सकती हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस समय बहुत ही मेहनत और सचेत रहने की जरूरत है। मुश्किल वक्त में किसी काबिल इंसान की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत की। अपने व्यवस्थित दिनचर्या व उत्तम रहन सहन आपको व्यस्त रखेगा। इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधित एक से अधिक तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन यह सब जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जिस मामले में काफी कुशल हो। आज का उपाय। आज अब सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।